उन्नाव कांड पर योगी सरकार अपने रुख को लेकर पहले से ही घिरी हुई नजर आ रही है। वहीं अब बीजेपी की प्रवक्ता दीप्ति भारद्वाज ने योगी सरकार की कार्यवाही को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से अमित शाह से गुहार लगाते हुए कहा, आदरणीय भाई अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश को बचा लीजिए, सरकार के निर्णय शर्मसार कर रहे हैं, ये कलंक नहीं धुलेंगे। आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी और आपके साथ हम सब के सपने चूर चूर होंगे। दीप्ति भारद्वाज के ट्वीट से लगता है कि सरकार को विधायक के खिलाफ जल्दी एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी के लिए ऐसी घटनाएं 2019 के चुनाव के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती हैं। इसके अलावा दीप्ति ने दो और ट्वीट किए, जिनमें से उन्होंने एक ट्वीट में एक कविता लिखी, जान सांसद में डाल ली हमने, दुश्मनी खुद से पाल ली हमने, उनकी हसरत का एहतराम किया, खुद ही पगड़ी उछाल ली हमने, उत्तर प्रदेश बचाओ। आपको बता दें, एक तरफ जहां बीजेपी समाज में महिला सम्मान की बात करती है, वहीं ऐसी खबरें यह दिखाती हैं कि बीजेपी की करनी कथनी में कितना फर्क है। ऐसे बीजेपी अपना जनता के बीच विश्वास खो देगी। दीप्ति ने अपने अंतिम ट्वीट में कहा, उत्तर प्रदेश के अचानक हुए घटनाक्रम दुर्भाग्यपूर्ण है, संगठन की 2019 की योजना पर पानी फेरने वाला है। दीप्ति के इन ट्वीट से लगता है कि पार्टी के ही लोग योगी आदित्यनाथ के फैसलों से खुश नहीं हैं। ऐसे में योगी सरकार को जल्द से जल्द कोई फैसला लेना चाहिए। आपको बता दें कि योगी सरकार उन्नाव कांड को लेकर पहले से ही विपक्ष के निशाने पर बनी हुई है।